खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपना प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी से अमित जोगी अपने प्रत्याशी के साथ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये सभी अपने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार सभाएं भी कर रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सतौनी, बिजलदेही, अतरिया और बोराई में आम सभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार प्रसार को लगभग 5 दिन शेष रहने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही स्थिति स्पष्ट भी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है और मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं लगातार सभी गाँव में घूम रहा हूँ और आज तीसरा दिन है लगातार घूमते हुए, और जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जवाब में 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीते 3 सालों में खैरागढ़ के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। 3.5 साल में खैरागढ़, सुजालाल और गंडई, 3.5 साल में कोई ऐसा काम आपने किया होगा जिसको माइलस्टोन कहा जाए, जिसको मुख्यमंत्री की उपलब्धि कहा जाए, जिसको किताब में लिख के प्रिंट कराया जाए? क्या मुख्यमंत्री ने डेवलपमेंट के 3.5 साल के कामों की कोई लिस्ट जारी की क्या? इतने लंबे 3.5 साल के समय निकलने के बाद भी कोई एक भी काम गिराने की स्थिति कांग्रेस की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है। अपने घोषणा में फिर से नई बात जारी कर रहे हैं। आरोप पत्र जारी करने के साथ ही भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान खैरागढ़ क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्यों का 35 बिंदुओं में रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है।